हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, अभी मैं कर रहा था अपना होमवर्क एंड लर्निंग वर्क, जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। गाइस, अभी मैं आया हुआ हूँ बाहर, मतलब घर के बाहर, कहीं और बाहर नहीं, ऐसे ही घर के बाहर आया हुआ हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा ऐसा मौसम सा अच्छा हो रहा है गाइस। जस्ट अभी तक इतनी अच्छा मौसम था यहाँ पर, एकदम से इतनी ज़्यादा धूप आ गई है ना, मैं बस आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा धूप मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। मुझे लगा था कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ भी हो रखी हैं। ये देखो, बाहर आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा धूप हो रखी है। फिलहाल सारा मूड के गिरा कर दिया। और गाइज, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप मतलब यार ज़्यादा रिस्पांस नहीं दे रहे हो आजकल व्लॉग्स पे, तो प्लीज़ यार रिस्पांस वगैरह दे दिया करो। मुझे भी आपके अभी सपोर्ट की जो है ज़रूरत है। तो गाइज प्लीज़ अभी आप सपोर्ट करना, ओके। अभी मैंने मेरे स्कूल का वर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद हम एक दिन बाद शॉपिंग करने जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा शॉपिंग ही करते रहता है। रीज़न ये है कि जो मेरे चाचू हैं उनकी शादी है कुछ दिनों बाद, मतलब कि जो मेरे दादू हैं उनकी जो सिस्टर हैं, उनसे छोटी सिस्टर हैं, उनके बेटे की शादी है। इट मीन्स यार मेरे चाचू की शादी है। शादी किसी की भी हो, मुझे बहुत मज़े आते हैं, और शॉपिंग करने में तो और भी ज़्यादा। तो भाई अभी मैं शॉपिंग करने जाऊँगा एक दो दिन में। तो वैसे मेरे दो बार प्लान बन चुके हैं, पर होते होते कैंसिल हो जाते हैं प्लान। पता नहीं क्या ही होता है मेरे साथ। आज का भी प्लान था मेरा जाने का, मैंने सोचा था कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन आज का सारा प्लान ही फ्लॉप हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर चलेंगे हम। तो गाइज अभी बहुत ज़्यादा मज़े भी आ रहे हैं मुझे, बट धूप। और गाइज एक और चीज़ में आप सबके लिए अनाउंसमेंट है कि मैं अब से डेली व्लॉगिंग करने वाला हूँ। डेली व्लॉग्स आया करेंगे मेरे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसके बाद इतना सारा होमवर्क लर्निंग वर्क होता है। तो गाइज आपके लिए मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर भी लूँगा, कोई बात नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं डेली व्लॉगिंग ज़रूर करूँगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरा मन बन चुका है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा, बट फिर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। और अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद अभी मैं करने वाला हूँ गिफ्ट पैक। बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि ये गिफ्ट पैक क्यों कर रहा है। गिफ्ट पैक मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जो मेरी बुआ जी हैं वो वन वीक तक मतलब कि हमारे घर पे आएंगे, और कोई रस्म वगैरह होती है वो करनी होती है, तो उसमें गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं। तो इसलिए हम गिफ्ट्स तो ले आए थे, बट उस तब हमें गिफ्ट को पैक करवाने का टाइम नहीं था, हमें कुछ काम था तब, तो इसलिए हम पैकिंग पेपर वगैरह ले आए थे। तो अब मुझे पैक करने पड़ेंगे, तो आइए गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं। गाइस ये देखो, मैं आपको बोल रहा था ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी पढ़ रहा था। ये मेरी है पुरानी टेबल जो आपने देखी होगी पहले व्लॉग्स में, और ये मेरी बन गया है आज न्यू टेबल। मैं अपने आराम से पढ़ता हूँ भाई। नीचे मैंने ऐसे गद्दा लगा लिया है, उसके बाद मैं इस पर टेबल रख के, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी टेबल है, और ये मेरी स्टडी हो रही है। ये बहुत बड़ा जोक हो गया। ये मेरी नोटबुक्स बुक्स वगैरह हैं, और वहाँ पे लैपटॉप का सामान रखा हुआ है। तो गाइस देख लो मैं कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क। गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने गिफ्ट्स को पैक करने। खोल दिए हमने अदमी अलमीरा, और ये रहे हमारे गिफ्ट्स। तो गाइज यहाँ पे मेरी सिस्टर की बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, तो घर में थोड़ी बहुत जगह नहीं मिली मुझे, तो मैंने उठा के यहीं पे रख दिए। मैंने कुछ गिफ्ट्स तो पैक कर लिए हैं, आप कमेंट करके बताना आपको मेरी गिफ्ट कैसे लगे पैकिंग करते हुए। तो गाइज अब ये कुछ 15 to 16 बॉक्सेस थे, मैंने ये तो इनमें से 7 बॉक्सेस, हाँ 7 पैक कर लिए थे, और कुछ बचे हुए हैं, तो मैं अब इनको पैक कर रहा हूँ। तो गाइज ये देखो, यहाँ पे रखा हुआ है हमारा पैकिंग पेपर, और ये देखो ये होता है इंडियन का जुगाड़।
हम अब ऐसे दो पेपर तो ला नहीं सकते, तो इससे अच्छा हमने एक ही रेड कर लिया और इसे उल्टा करके चढ़ा दिया, ये हो गया हमारा सिल्वर। इट मीन्स दो दो चढ़ा दिए, देखो मतलब दिमाग कितना ज़्यादा होता है ना इंडियंस में। ये आ चुकी है हमारी सीजर, अब इससे हम करेंगे कटिंग करेंगे। अब हम करने लगे अपने गिफ्ट्स को पैक। सबसे पहले हम क्या करेंगे क्या आप बता सकते हो? यार ये तो सबको ही पता होता है, हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। यार मेरे को मिल ही नहीं रहा कहाँ है इसका ओपन करने के लिए। वेयर इज ओ एट लास्ट हमें मिल चुका है। तो गाइस ये निकल चुका है, ओ माय गॉड कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है ना ये। इसको हमने रख दिया है इधर, इसको हम थोड़ी देर इधर कर देते हैं। ये हमारी सीजर है। तो गाइस हमने अभी रख दिया अपने गिफ्ट को ऐसे, इसको हम करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया है पैक। बट नहीं, इस पर अभी बहुत कुछ लगेगा, इस पर अभी सेलो टेप लगेगी। इसे हम फर्स्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद ये अच्छे से ड्रेसअप हो जाएगा। गाइस मिलता मैं आपसे ये सारे गिफ्ट पैक करने के बाद। एक्चुअली जो मेरी बुआ जी हैं वो कितने दिनों से बोल रहे थे कि इनको पैक कर दे वरना भूल जाएगा। मैंने मतलब कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना, इस वजह से मैंने मुश्किल से 6 to 7 बॉक्सेस पैक किए थे। आज मैं सोच रहा हूँ सारे कर ही दूँ। तो गाइज मिलता हूँ आपसे बॉक्स को पैक करने के बाद। मुझे एक घंटा लग गया 10 बॉक्सेस को पैक करने में। इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मुझे इतनी अच्छी तरह करनी नहीं आती, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रहा था और मुझसे दो पेपर तो वेस्ट भी हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब मम्मा ने मुझे बोला है कि अपना सामान उठा दे क्योंकि मैंने अपना सारा काम कर लिया। तो मतलब कि मैंने अपना सारा काम कंप्लीट नहीं किया क्योंकि आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, तो मैं करते करते थक गया। तो मैंने सोचा कि आज संडे है, तो मैंने सोचा मैं कल कर लूँगा, मंडे को कर लूँगा। तो मैं मंडे को करूँगा यानी कि कल करूँगा अपना सारा काम कंप्लीट। एक्चुअली मेरा ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रहते हैं, कोई बात नहीं इतना चलता है। वैसे मैं अपना कुछ काम पेंडिंग रखता नहीं हूँ, बट आज मैं थोड़ा थक गया हूँ इसलिए मैं कल अपना कंप्लीट करके सर को सेंड कर दूँगा। गाइज आज के व्लॉग के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। फिर मिलेंगे गाइज नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।